तो YouTube चैनल देसी पिजन लवर्स। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों बहुत भाइयों को कमेंट्स आ रहा था कि भाई आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो दोस्तों मैं कुछ कामों में व्यस्त था अपने, और अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। दो तीन दिन ही वीडियो नहीं आई है, तो अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। मैं बताता हूँ आपको सब कुछ कि इन दिनों क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने केज की तरफ, दिखाते हैं आपको केज में क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या नहीं है। तो नीचे वाले केज में दोस्तों खाली पड़ा हुआ है, ऊपर वाले केज में ये देखें बच्चे ठीक हैं, और इसके उसका भी बच्चा ये देखें निकल गया, ये देखें, और ये देखें बच्चा कितना बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस केज में ये देखें इसके बच्चा भी बड़ा हो गया और इसका बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले केज में कबूतरियों के केज में ये देखें कबूतरियाँ सब फिट हैं, फाइन है, एक्टिव हैं, कबूतरों के पर सब आ गए हैं, ये देखें सब पर आ गए हैं कुर्सियों के, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको बताते हैं इन दिनों हुआ क्या। बाकी सब कबूतर ये देखें ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें कबूतर सब ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे कुछ नहीं, वो केज खाली हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वो केज खाली हो चुका है दोस्तों, और उस केज का जो बच्चा था, उस केज का जो बच्चा था एक वो देखें वो बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक ये देखें ये नीचे है। ठीक है दोस्तों, वो केज मैंने खाली कर चुका है, ये बाप है उसका इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बताते हैं आपको हुआ क्या था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मैंने कल और परसों कबूतर सब उड़ाए थे, दो चार बच्चे उड़ाए, जिसमें से एक बच्चा भाग गया जो कि इसका बच्चा था, ये कबूतर का, वो जो नीचे केज में रहता था ना, इस केज में आवरा बच्चा था जो कि कमगर बच्चा था, मैंने आपको बताया भी था, अपने वीडियो में शोक भी कराया था, इसका बच्चा था। ठीक है दोस्तों, ये कबूतर का वो बच्चा ही भाग गया, और एक बच्चे को बैरी मार गई, वो बच्चा देख रहे हैं, इसी टाइप का एक और बच्चा था मेरे पास। ठीक है दोस्तों, उसको बैरी मार गई, और ये जो स्लेटन देख रहे हैं आप, इसका फंग जो निकला हुआ है इसे बैरी मारेंगे, मैं आपको शौक कराता हूँ, ये देखें इसे, हालांकि बैरी ने कबूतर बैरी ने मारा, और इसे बैरी ने फेंक दिया, ये देखें ये देख रहे हैं, ये देखें ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये देखें इसे भी बैरी ने मारा हुआ है, ये जाके उस साइड गिर गई, तो फिर मैंने इसको ले के आया और ये बच गया। बाकी एक बच्चा जो इस टाइप का था उसे बैरी ने पकड़ लिया, कमकर बच्चा परसों भाग गया, अभी तक आया नहीं है वापस, और बाकी बच्चे ये बैठे हुए हैं, एक ये बच्चा बैठा है, एक वो पीछे बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक ये बच्चा बैठा, तो बच्चे कुल मिला के चार ही बच्चे दोस्तों मेरे पास। ठीक है दोस्तों, और बहुत से भाइयों का कमेंट्स भी ये था कि भाई आप जो बच्चे पलवा रहे हैं तो वो बच्चे मुझे देंगे, हमें देंगे। तो दोस्तों भाइयों से यही है कि भाई बच्चे बड़े हो लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। ये देखिए कमकर बच्चा, टैडी बच्चा, ये देखिए ये जो ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बताते हैं आपको उस केज का भी, कुछ नया कुछ करते हैं उस केज में। तो ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए पूरा केज खाली है। तो इन केजों में मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ, भाइयों ने भी कमेंट्स किया था, बताइएगा आप सब भी कि इस केज में अब हम फैंसी कबूतर रखने लगे हैं,
आप सब भाइयों ने बताना है कि वो कौन से फैंसी कबूतर हम रखें और इसकी ब्रीडिंग भी करवाएं दोस्तों। तो आप सब भाइयों ने बताना है फैंसी कबूतर कौन सा उस केज में रखें ताकि हमें अच्छा लगे और आप सब भी भाइयों को अच्छा लगे। तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि वो कौन से फैंसी कबूतर हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन भाइयों के पास है तो वो मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मुझे दे भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लूँगा मैं, बल्कि पैसे से लूँगा उनसे, गिफ्ट नहीं लूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। मेरे में वो आदत नहीं है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि कौन से फैंसी कबूतर रखें ताकि देखने में भी अच्छे लगे और खूबसूरत भी हो। और वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और सब भाइयों को भी इन वीडियो की पता चले, देखे, ठीक है दोस्तों। बाकी कबूतरों को दाना का टाइम हो गया, दाना डालते हैं। ये देखें कबूतर सब कैसे देख रहे हैं, पर ये देखें, ठीक है दोस्तों। दाना का भी टाइम हो गया और दाना डालते हैं कबूतरों को, ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों सब कबूतर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है दोस्तों। ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक जरूर से जल्द पहुंचे। ये देखें कबूतरियों की, ये कबूतरियों की स्टैंडिंग देखें कैसे खड़ी हैं सब, ठीक है दोस्तों। ये कबूतरी देखें, दिखाता हूँ मैं उस तरफ से बाहर से आपको, ताकि ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये देखें वो मादी है उस केज वाली, इधर बैठी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये मादी है उस केज वाली, मैंने सबका जोड़ा अलग कर दिया है ताकि अब उड़ाने का सीज़न है तो कबूतर भी उड़ाएंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे मौसम साफ होगा वैसे वैसे आपको कबूतरबाजी बताएंगे। अब कबूतर के भरपूर आ गए हैं, अब थोड़ा नहाई धोहाई देंगे कबूतरों को, कल इनको नहाई देंगे तो आपको बताएंगे कबूतर को कैसे नहवाना है और कबूतर को रंग भी लगाना है, ठीक है दोस्तों। और बैरी ने बहुत ही तंग करके रखा है अभी, तो मार्च का महीना है, अप्रैल आने दी, उसके बाद अप्रैल में कबूतर उड़ाएंगे हम, ताकि थोड़ी गर्मी पड़े तब बैरी उड़ी का थोड़ा कम चांस होता है मारने का। वैसे तो इस बच्चे को मारा जिसको, तो उसको खाया नहीं उसने, बाकी वहाँ फेंक दिया साइड पर। इस बच्चे को भी अटैक किया था उसने, तो ये बच्चा तो बच गया, ठीक है दोस्तों। बाकी देखते हैं जैसे जैसे मौसम साफ होता है वैसे वैसे आपको बताएंगे। अभी तो बैरी का सीजन है। बच्चे दोनों, ये देखें ये बच्चा ऊपर कैसे बैठा हुआ है, मैंने कल ही कर दिया था। बताना जरूरी है कि दोस्तों उस केज का क्या करें, खाली ही रहेगा। वैसे ब्रीडिंग कराने के लिए वो केज बहुत ही अच्छा था। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ।